नमस्कार। डेट है आज की 24 अप्रैल 2022। और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट किया गया था, इसका पोस्ट कोड था 939। तो इसका हम जीके सेक्शन से अभी स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। 141 क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सिंधु घाट सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता को प्रस्तुत करता है। तो ये करता है बरंड ब्रिक बिल्डिंग, पक्की ईंटों के भवन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 142 क्वेश्चन में पूछते हैं, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन अ इंडियन सोसाइटी वॉज। तो वैदिक सोसाइटी का चीफ इम्पैक्ट क्या था? इसका था राइज ऑफ अदर वर्ल्डली आउटलुक। ऑप्शन डी सही आंसर है, अन्य वैशेषिक अन्य वैश्विक संभावनाओं की उत्पत्ति। 143 में देखिए, बुद्धास प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्ड टू। बुद्धा की जो प्रीचिंग थी, उपदेश थे, वो मुख्य किससे संबंधित थे? वो थे प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है, विचार और आचरण की शुद्धता से। 144 में बोलते हैं, हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांश किसके काल में जो था वो स्थापित हुआ था? वो मौर्य काल में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 145 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ था वो मनसबदारी सिस्टम के कारण नहीं हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है, मनसबदारी प्रणाली। 146 में क्या बोलते हैं, 146 में बोलते हैं, पल्लवास किंग्स आर रिमेंबर्ड एज द मेकर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स एट। तो पल्लव के जो राजा थे वो रॉक कट टेम्पलों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। कौन से रॉक कट टेम्पल? महाबलीपुरम के। ऑप्शन डी महाबलीपुरम जो है वो सही आंसर है। 147 में बोलते हैं, द सुल्तान हु रिफ्यूज्ड टू रिकोगनाइज द अथॉरिटी ऑफ खलीफा वॉज। तो सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कुतुबुद्दीन मुबारक ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 147 के बाद 48 देखिए, बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में रहा था? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, जो सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका, वो था हिज अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ऑप्शन डी सही आंसर है, उनकी रियासतों की एकीकरण की उपलब्धि के लिए। 149 में बोलते हैं, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस इज नाइटहुड। तो उन्होंने अपना नाइटहुड क्यों वापस लौटा दिया था? वो जलियांवाला बाग को लेकर लौटाया था, जो जलियांवाला बाग पर अत्याचार हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 में देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज दैट। तो गांधी जी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसका इम्पॉर्टेंस क्या था, उसका क्या मेन इम्पॉर्टेंस था? तो वो था ऑप्शन बी, नॉन वायलेंस वॉज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन ऑफ मास मूवमेंट। ऑप्शन बी सही आंसर है। 151 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरलिज्म एंड अमेरिकन फेडरलिज्म। तो जो इंडियन फेडरलिज्म और अमेरिकन फेडरलिज्म में कॉमन फीचर है वो है ऑप्शन डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्वाचन के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही आंसर है। 152 में बोलते हैं, विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 19 में क्या चीज़ मैंशन नहीं की गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं की गई। ऑप्शन डी सही आंसर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। 153 में बोलते हैं, मिनिमम एज पूछी गई है राज्यसभा के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने बहुत बार जो था वो पढ़ रखे थे, बहुत बार हमने रिवाइज किए थे। तो इसका 30 होगा, मिनिमम एज 30 होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? जब लगाई जाती है तो क्या होता है, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन्ड। या फिर ये होता है इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी रिड्यूस्ड। ये इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 154 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सैलरीज से रिगार्डिंग। 155 में बोलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज डन विद द पर्पस ऑफ। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? वो किया जाता है इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटीज, जो ऋण की सुविधाएँ होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 156 क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। 156 देखिए, बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मॉनेटरी पॉलिसी का? वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन डी खुले बाजार की क्रिया है। 157 में बोलते हैं, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज। तो एटमोसफेयर की लोएस्ट लेयर कौन सी है इनमें से? वो है ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है इनमें से? तो बहुत बार हमने रॉक के बारे में पढ़ा था, सेडिमेंट्री इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 159 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, स्ट्रेच ऑफ सी वॉज सी वाटर पार्शियली और फुली सेपरेटेड वाया नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है लैगून, समुद्र ताल। ऑप्शन सी सही आंसर है।
इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, तो बहुत बार पूछा गया है इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। लोकतक क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लोकतक एक लेक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 162 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर, तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। 162 के बाद 163 है, बोलते हैं यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर किसके कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड को कहा जाता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 165 में बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 166 में बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, तो जो मनुष्य के शरीर में लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 167 में बोलते हैं पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज आर एडवाइज टू, तो पर्सन जो मायोपिया से सफ़र करता है उसको कनकेव लेंस की एडवाइस की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 168 में बोलते हैं डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज, तो उसको रेगुलेटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड को जो है वो चेंज करता है, रेगुलेट करता है। 169 में बोलते हैं केमिकली लाइम वाटर इज, तो केमिकली लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सही आंसर है। 170 में बोलते हैं विच इज विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 171 में बोलते हैं स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन, तो बहुत बार डिस्कस किया है कि झांस्कर माउंटेन जो है वो अलग करता है स्पीति और तिब्बत को, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है 172, बोलते हैं हांगरंग वैली कहाँ पर स्थित है, हांगरंग वैली किन्नौर में स्थित है, बहुत बार हमने पढ़ा है। लार्जेस्ट रिवर पूछी गई है, अगर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये मानते हैं तो चेनाब इसका सही आंसर मान के चलेंगे, वैसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछते तो सतलुज होता, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं तो होपफुली कि वॉल्यूम के टर्म में पूछ रहे होंगे। बोलते हैं बाई विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टूरिज्म मैप, तो टूरिज्म मैप पर हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, HPGK हमने लगभग सारी कवर की थी, 100% कवर की थी। चित्तीधार कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। 176 में बोलते हैं फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ध्यान रखें यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर पूछा गया है तो वो होगा कृष्ण चंद्र, ऑप्शन ए जो है उसे आंसर है, जयवंत राम नहीं होगा, कृष्ण चंद्र होगा। 177 में बोलते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल्स स्टेट रूलर प्रजामंडल रिप्रेजेंट हेल्ड इन 1948 एट सोलन, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई थी, ऑप्शन ए दुर्गा चंद्र के द्वारा। 178 में बोलते हैं व्हेन डिड द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऑफिस इन पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये 24 मार्च 1952 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, ऑप्शन सी सही आंसर है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। 179 में बोलते हैं विच सिख गुरु लिंक्ड विद पौंटा साहिब, तो गुरु गोविंद सिंह को जो है आप लिंक कर सकते हैं पौंटा साहिब से, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं शिमला के मॉल की दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उनमें जो है हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित किया गया है, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो MC सक्सेना का कार्य है, ऑप्शन सी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अच्छा क्वेश्चन था ये कह सकते हैं आप। 181 में बोलते हैं कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूलर ऑफ अकबर, ये धर्मचंद है, ऑप्शन डी सही आंसर है, आसान है, धर्मचंद सही आंसर होगा। बोलते हैं ऑन विच डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट्री पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, तो ये 18 दिसंबर 1970 को पास किया गया था, बहुत बार हमने पढ़ा है। बेयांग बाक्यांग बेयांगछू कहाँ के डांस है, तो ये मैंने बहुत बार बताया है कि किन्नौर के डांसेज हैं ये, कियांग हो गया, वाक्यांग हो गया, कियांगचू हो गया। आगे बोलते हैं 184 में इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज अचीव्ड इन हिमाचल प्रदेश, ये 1988 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये टारगेट हमने अचीव कर लिया था। पहाड़ी गांधी अवार्ड किसको दिया गया था 1989 में, तो जयदेव किरण को दिया गया था, तो ये 1989 में जयदेव किरण, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इनको दिया गया था। 186 में बोलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री, तो रशिया का कर दिया है इन्होंने, वॉर के बाद इन्होंने रशिया का किया है ये सस्पेंड। 187 में बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ये इसका सही आंसर है। 188 में बोलते हैं व्हाट इज परम गंगा, परम गंगा क्या है, इट इज अ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी सही आंसर है। 189 में बोलते हैं विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड एज ऑन 2022, तो ये होगा अपना USA, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको आपको डिकोड करना है, जब आप इसको डिकोड करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। 98 का ऑप्शन बी 13 सही आंसर आ जाएगा, और 91-92 का जो है वो मदर सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 193 में बोलते हैं एंटोनियम पूछा गया है डेस्पोंडेंसी का, इसका एंटोनियम क्या होगा, चीयरफुलनेस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेंस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स,
आगे बोलते हैं, अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम, बट यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बट डिड नॉट टर्न अप। आगे बोलते हैं 196 में मीनिंग ऑफ इडियम बताना है टू कीप द बॉल रोलिंग ऑन, तो इसका होगा ऑप्शन डी सही आंसर, टू कीप द कंजर्वेशन गोइंग ऑन। सुरेश का संदीप से बताना है सुर प्लस ई, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। सुलक्षण में समास क्या होगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सुलक्षण में होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है जनरली कमेंट करके बताइए, चेक करके बताइए, हम कमेंट में पिन उसको कर देंगे, ठीक है, पिन कर देंगे अगर जनरली आपको पता है, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पर भी जो है आपको अपडेट कर दूंगा। कोई भी अगर इस तरह का डाउट आपको मुझे लगता है कि गलत बोल दिया है तो उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, आंसर के आने पर भी ज़रूर चेक कीजिएगा। 199 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, 199 में चोरी में प्रत्यय क्या है, तो चोरी में क्या प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। कौशल का पर्यायवाची पूछा गया है 200 नंबर क्वेश्चन में, कौशल का पर्यायवाची आपको बताना है। कौशल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कौशल का पर्यायवाची पाटव होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पाटव इसका पर्यायवाची होता है। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस। कट ऑफ की बात बाद में करेंगे कभी।